बिहारच्या सिवानचं हे चांदपाली मौजा गाव. इथे मुस्लिम बहुसंख्य आहेत, पण हिंदूंचीही 10-12 घरं आहेत. या गावातल्या प्रत्येक घरातले 1 किंवा 2 पुरुष गल्फमध्ये म्हणजे आखाती देशांमध्ये नोकरी करतात. गावातले किमान 500 जण तिथे काम करत असल्याचं गावकरी सांगतात. त्यातून मिळालेल्या पैशानं गावाची प्रगती झाल्याचंही दिसतं. याच गावातले राजन शर्मा आणि मोहम्मद वसीम गेल्या 9 वर्षांपासून कतारमध्ये राहत आहेत. चांदपाली गावातही दोघांमध्ये फार अंतर नव्हतं, पण कतारची राजधानी दोहामध्ये ते एकाच घरात राहू लागले. दोहामध्ये राजन आणि वसीम सोबतच आणखी 3 मित्र एकत्र राहतात, पण त्यात राजन एकटेच हिंदू आहेत. राजनसाठी 4 मुस्लिम मित्रांनी खोलीतच छोटा देवहारा तयार केलाय. इथेच राजन पूजा करतात आणि बाकीचे मुस्लिम मित्र नमाज अदा करतात. हाँ, हमने छोटा सा मंदिर बनाया था और हम इधर करते थे. बाद में मैं थोड़ा अति हुआ तो एक समूला नाम के थे, कहे कि उससे क्या लेना देना है, तुम अपना इधर करो, हम इधर पढ़ेंगे नमाज पढ़ते. हम साथ में पूरा अवतार भी करते थे यही रमजान के महीने में. राजन 4 महिन्यांपूर्वी कतारहून चांदपालीला आपल्या गावी पोहोचले तेव्हा फार निराश झाले. अयोध्या में अयोध्या वाला उद्घाटन था, जिस दिन पूरा जुलूस निकला था, तो 3 बार ये लोग उधर आया. अब आधे रास्ते से फिर रिटर्न जाता था, अब फिर रिटर्न आता था. तो ये चीज देख के मेरे को भी तकलीफ लगा. मैं देखा, मैं हट गया. मैं घर पे आया, मैं अपने माँ से मैं साझा कर रहा था कि लोग बोलता है कि हम श्री राम के भक्त हैं, तो हमारे श्री राम तो ऐसे नहीं थे. हमारे श्री राम तो एक राजा थे, राजा की तरह रहते थे, सबके प्रजा का ध्यान रखते थे. श्री राम जी तो नहीं बांटे थे. श्री राम तो एक बहुत अच्छे थे, मगर यहाँ पर तो श्री राम जी के नाम पर आदमी को ठगा जा रहा है. तकलीफ होता है आदमी देख के. पहले मगर आदमी को इतना नहीं, मगर अभी ये 10-12 साल से ये देखने को मिल रहा है हर जगह. याच गावातले मोहम्मद नसीम सौदी अरेबियात दम्माम मध्ये राहतात. नसीम यांचे रूममेट उमेंद्र राम शेजारच्या दरवेशपूर मधले आहेत. नसीमना वाटतं की भारतातले हिंदू मुसलमान परदेशात मिळून मिसळून राहतात, पण भारतात परिस्थिती वेगळी आहे. वहाँ किसी तरह का कोई हिंदुओं पर चाहे मुसलमान किसी कौम पर कोई दबाव नहीं है. ओपन वहाँ पर मंदिर नहीं है, मगर अपने अपने आस्था के लिए पूजा करने के लिए वो रूम में एक प्लाई का मंदिर बना के फोटो रख के अपना अगरबत्ती दिखाता है लोग, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं. हम उसी में नमाज पढ़ते हैं, उसको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. तो वहाँ तो सब कोई मिल के रहता है. जरूरत पड़ता है तो एक साथ हम लोग खाते भी, 4 आदमी चारों एक साथ बना के हम इसमें खाते हैं. मैंने यहाँ का माहौल में वहाँ का माहौल में आसमान जमीन का अंतर है. बिहार से सस्ते श्रम का पलायन कोई नई बात नहीं है, लेकिन पलायन का ये ट्रेंड बदल रहा है. पहले यह पलायन देश के भीतर होता था, लेकिन अब यह पलायन विदेशों में भी हो रहा है, खास करके खाड़ी के देशों में. आप देख सकते हैं कि ये बिहार की राजधानी पटना का पासपोर्ट सेवा केंद्र है. पासपोर्ट सेवा केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हैं, कोई पासपोर्ट बनवाने के लिए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, तो कोई पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए. इनसे बात कीजिए तो ये बताते हैं कि एक खाड़ी के देश कतर, सऊदी अरब, ओमान जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इन्हें कोई रोजगार मिल सके. खाड़ी की कमाई से इनके घरों में आर्थिक तब्दीली तो आई है, लेकिन क्या इनकी राजनीतिक और सामाजिक सोच पर भी असर पड़ा है? बिहारच्या औरंगाबादमधले रामेश्वर साव गेल्या 5 वर्षांपासून सौदी अरेबियात राहत आहेत. त्यांचे रूममेट पाकिस्तानीही आहेत आणि भारतीय मुसलमानही. आता मुस्लिमांविषयी त्यांचं मत बदललंय. हम लोग का एक जहाँ पे हम पहले रहते थे अपना इंडिया में, अगल बगल में तो कोई मुस्लिम है नहीं, तो हम तो कल्चर नहीं जानते थे. सोचते थे कि वो लोग हिंदू से नफरत करता है, ऐसा सोचते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. एक साथ रह करके, एक साथ बात करके, बात विचार से पता चला. हम लोग तो एक खाना भी साथ में खा लेते थे, खाते थे. तू जाओ
सऊदी अरेबियात पैसे कमावून परतल्यानंतर रवी कुमार सिवानमध्ये घर बांधतायत. त्यांचंही म्हणणं आहे की सौदीला जाण्यापूर्वी ते मुस्लिमांविषयी जो विचार करायचे आता त्यात बदल झालाय. वहां पर जाने के बाद कोई माने ऐसा रिलीजन जो दिमाग में होता है यहाँ पर रह के आदमी करता है, हिंदू है मुसलमान है ये उसके साथ हुआ ऐसा, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. वहाँ पर जाने के बाद हमको बहुत ही अच्छा लगा, लग ही नहीं रहा था कि हम दूसरे कंट्री में हैं. और ऐसा होना चाहिए यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है. बहुत जगह है मारकाट, किसी को गलत वजह से कोई हिंदू को मार रहा है, कोई मुसलमान को मार रहा है. मुस्लिमांविषयी रामेश्वर साव आणि रवी यांचं मतपरिवर्तन होणं किती महत्वाचं आहे. जब हम लोग और देशों से इंटरेक्ट करते हैं और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी जो कुछ धारणाएं हैं कि अगर हम एक ही जगह पे जब पलते हैं बड़े होते हैं तो वो धारणाएं हमारी थोड़ी सी चेंज होती हैं. जब हम लोग बाहर जाके देखते हैं कि शायद वो चीज़ें बिल्कुल सच नहीं थी और थोड़ा उसमें सच था और कुछ और रियलिटी है लाइफ में, तो हम उस चीज़ को अप्रिशिएट और एक्सेप्ट करने लगते हैं. और मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता है. तो होराइजन्स जिसे कहते हैं कि होराइजन्स ब्रॉडन होते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है चीज़ों की और थोड़ा सा हमें मुझे लगता है कि समझ भी ज़्यादा बढ़ती है. आखातातल्या मुस्लिम देशात राहणारे भारतीय हिंदू एका गोष्टीचं तोंड भरून कौतुक करतात, ते म्हणजे धर्माच्या आधारावर त्यांच्याशी भेदभाव होत नाही. बिहारच्या औरंगाबादच्या इला शर्मा यांचे पती श्याम दुबईत L&T कंपनीत प्रोजेक्ट मॅनेजर आहेत. इला गेली 6 वर्ष दुबईत राहत आहेत, पण आपण इस्लामिक देशात आहोत याची कधी जाणीवही झाली नाही असं त्या सांगतात. साल में ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि मतलब मैं इस्लामिक कंट्री में हूँ. मतलब एवरीथिंग, चाहे फेस्टिवल हो चाहे मतलब सोशल गैदरिंग हो, एवरीथिंग काफ़ी कन्वीनियंट था एंड ईजी. वहाँ पे छठ पूजा भी आप लोग करती हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो कैसे बताइए छठ पूजा मतलब कैसे जाती है वहाँ पे? मैं तो नहीं करती बट मेरे फ्रेंड्स हैं वो लोग करते हैं. तो हम लोग शारजा में ममजार बीच पर होती है छठ, तो मतलब जस्ट बाई कार चले गए वहाँ पर और ऐसा कोई भी रोक टोक नहीं. बट हाँ, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके, ऐसा नहीं कि मतलब आप कहीं पे भी गंदगी फैला रहे हैं या फिर कुछ हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना होता. बस आप जाओ नॉर्मल में जैसे पूजा की जाती है वैसे पूजा करो, कोई इशू नहीं होते. June 2022 मध्ये सत्ताधारी भाजपच्या तत्कालीन प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांनी पैगंबर मोहम्मद यांच्याबद्दल वादग्रस्त टिप्पणी केली होती, तेव्हा आखाती देशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. पण आखातात राहणाऱ्या सुमारे 85 लाख भारतीयांचं काय होणार यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं होतं. मग भारतातल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचा परिणाम आखाती देशात राहणाऱ्या भारतीयांवरही पडतोय का? जो लोकल अरब आबादी है वो उनको अपने बराबर नहीं मानती है, उनको अपने से हीन समझती है और ये बहुत कॉमन सी फीलिंग है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो. तो उनके मन में जो अरब है उनके मन में कुछ इस तरह की भावना रहती कि भाई वो एम्प्लॉयर हैं, रूलर हैं और ये लोग हैं जो काम करने के लिए आए हैं. तो वो एक बहुत मार्क्ड डिस्क्रिमिनेशन है. सोशल लाइफ में आप देखिएगा कि अरब ज़्यादा इन लोगों से इंटरमिंगल नहीं करते हैं. तो आपस में अगर सोशल रिलेशनशिप बनानी है तो जाहिर है कि जो साउथ एशियंस हैं वो भारत से हों, पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश से हों, इवन श्रीलंका से हों, तो इनकी अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी है. तो ये लोग हैं एक तरह से वहाँ पर मार्जिनलाइज ग्रुप है, तो आपस में ये इंटरमिंगलिंग करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, साथ मिलकर रहते हैं. जैसा आप भी बता रहे थे कि बहुत जगह ऐसा है कि एक ही कमरे में हिंदू मुसलमान एज रूम पार्टनर्स रह रहे हैं, तो वो एक समझिए कि कॉमरेडरी कहिए या एक फ्रेंडशिप कहिए वो है. भारतात हिंदू आणि मुस्लिमांमधली धार्मिक भिंत परदेशात गेल्यावर कोलमडून पडते. तिथे भारतीय हीच ओळख जास्त वरचढ ठरते, लोकांना एकत्र आणते. भारतीय मुसलमान आखाती देशांमध्ये गेल्यावर बहुसंख्याक होतात, पण यामुळे त्यांना तिथे कुठला विशेष अधिकार मिळत नाही. आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या हिंदू आणि मुस्लिमांना हेच वाटतं की भारतातही धार्मिक ओळखींवरून लोकांमध्ये भेदाभेद केली जाऊ नये.